रीवा का आईटीआई इन दिनों पेड़ों की वजह से चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। रीवा का आईटीआई इन दिनों चर्चा में है। यहां पर 40 करोड़ की लागत से नई इमारत बनाई जानी थी, जिसके लिए पेड़ों को काटा जाना था। ठेकेदार पर आरोप है, उन्होंने कम पेड़ काटने के लिए नगर निगम से परमिशन ली थी, लेकिन ज्यादा पेड़ काट डाले। रीवा आईटीआई इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन इस सुर्खियों की वजह आईटीआई का काम या फिर वहां के छात्र नहीं है। आपको याद होगा कि रीवा में एक मेगा आईटीआई का निर्माण होना है, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का मेगा बजट भी है। भवन निर्माण वाली जगह पर बेशकीमती पेड़ लगे हुए थे। नगर निगम ने भवन निर्माण में रुकावट पैदा कर रहे 18 पेड़ों को काटने की मंजूरी ठेकेदार को दी थी, लेकिन ठेकेदार अतिरिक्त होशियार निकले और वहां लगे सभी पेड़ों को न केवल काटा वरन उनका वारा न्यारा भी कर दिया। हम आपको बता दें कि यहां पर सागौन और सतकठा के पेड़ बड़ी तादाद में लगे थे। आईटीआई के उस समय के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की, लेकिन मामला अब जांच में आ गया है। वन विभाग का अमला जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। काबिले गौर यह भी है कि बिना अनुमति के जिन पेड़ों को काटा गया है उनकी लकड़ियों की बाजार में बहुत मांग है और कीमत भी ऊंची मिलती है। यहाँ पे आईटीआई में कुछ दिन पहले वृक्ष कटे हुए थे, जो शिकायत में आया है कि अवैधानिक है, तो शिकायतकर्ता ने शिकायत इसकी पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, वन विभाग सब जगह की थी। तो ये अभी हमको जांच मिली है, तो उसी के तारतम्य में हम लोग जांच करने आए हैं। अब पेड़ जहाँ कटे हैं उनकी ठूंठ की नफाई करा रहा हूँ। कितने वृक्षों की कटने की? ये 60 पेड़ बता रहे हैं, अभी तो मैं गिनती कर रहा हूँ कितने मिलते हैं। काहे कैसे सर? इसमें सागौन है, सतकठा है। जी, क्या कार्रवाई होगी सर इसके आगे? अब इसके आगे हम अपना प्रतिवेदन बना के माननीय अपने वनमंडलाधिकारी महोदय को देंगे, और जो भी इसमें आपके बयान आएंगे उसके बयान के तहत कार्रवाई करेंगे। राजेश वर्मा एक प्राइवेट ठेकेदार था कोई, जिसके द्वारा कंस्ट्रक्शन जमीन से, कंस्ट्रक्शन स्थल से पूरे पेड़ काटे गए थे, वो लीगल थे। सर किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा था? इसका मेगा आईटीआई हमारे यहाँ बन रही है। 40 करोड़ का बजट मिला है, तो मेगा आईटीआई का उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। उसके लिए उस निर्माण स्थल से पेड़, उसमें लगभग 62 पेड़ थे, मैंने सर्वे करवाया था, तो विभिन्न प्रजातियों के लगभग 62 पेड़ थे। सर्वे की लिस्ट है मेरे पास, जो कटने थे, जो नहीं, हाँ जो कटने थे, लेकिन अनुमति नगर निगम से 18 पेड़ की मिली थी। जी, तो इनको 18 पेड़ ही कटवाना चाहिए। मैंने आपत्ति किया कि 18 पेड़ ही कर, आप बाकी की अनुमति लीजिए नगर निगम से, तो बोले बाद में ले लेंगे, अभी 18 की अनुमति मिली है, बाद में ले लेंगे। बाद में कोई अनुमति नहीं ली गई और पूरे पेड़ कटवा दिए गए। तो सब कटने के बाद इसका जो अवशेष, अच्छा जब वो कट गए ठीक है, वो तो औचित्य था, निर्माण होना था, यहाँ का क्या औचित्य था? फिर ठेकेदार को प्रिंसिपल ने पूरी छूट दे दी। मैं सुरक्षा है अधिकारी के हैसियत से मैंने रोक टोक किया, तो उनने कहा इसको बिल्कुल छूट दे दीजिए, आप मत रोकिए। तो मैंने चौकीदारों को मना कर दिया, साहब बोल रहे हैं तो जाने दो भाई। आईटीआई में सुरक्षा, मैं सुरक्षा अधिकारी था उस समय, अभी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा मूल पद है प्रशिक्षण अधिकारी। जी जी, सुरक्षा अधिकारी का प्रभार था मेरे पास। शुभ नाम सर अपना? पीके निगम। जी जी जी, आईटीआई, आईटीआई में टूल कटिंग औजार जब्त कर लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने देने के लिए कहा। मैंने कहा भाई इसकी मैं ऐसा करिए, आप FIR कराइए और मैं पुलिस को जब्ती में दूंगा। तो प्रिंसिपल साहब मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे, नहीं आप औजार दे दो। मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने एक समिति बना दी विभाग में 3 लोगों की। वो लोग मेरे पास आए, बोले आप सामान दे दीजिए, तो मुझे सामान उसका वापस देना पड़ा। जब मैं उसे पाबती लिया तब मुझे पता चला कि इसका राजेश वर्मा नाम है। मैंने पूछा किसके कहने से काटा है तूने, तो बोला कोई डिप्टी साहब हैं हमारे बल्लू श्रीवास्तव, उनके कहने से काटा हूँ। मैंने कहा बल्लू तो घर का नाम है। ये कब कटाई हुई है सर? हाँ, 22 जनवरी 2018 को ये पेड़ कटे हैं। पेड़ कहाँ गए सर कट के? अब कहाँ गए ये ठेकेदार बताएगा, हमको नहीं पता। और उस समय चौकीदार जो है, हमारा चौकीदार भी मिला हुआ है, मुनिराज कुशवाहा था ड्यूटी में, ठीक है, और रमेश सेन था। तो रमेश सेन तो क्या ठेकेदार वाला था, ठेकेदार का ठेका खत्म हो गया, वो चला गया, लेकिन मुनिराज कुशवाहा रेगुलर चौकीदार है। और ये आए दिन ठेकेदार के साथ मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि बैठ के दारू पीता था, तो इसकी भी मिली भगत मुनिराज कुशवाहा की, उसी ड्यूटी पीरियड में पेड़ कटा है।